हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के बजे हैं 9:30 और मैंने कपड़े कुछ हाथ से धो दिए हैं, जो हमारे पहनने के वैसे कपड़े थे, नए कपड़े थे जिनके कलर छूटते हैं, उन वो मैंने सारे के सारे हाथ से धोकर डाल दिए हैं। और आज मैंने 2-3 जो है मोटे कपड़े भी डाल दिए हैं मशीन में। तो तब तक मैं कमरे को साफ कर देती हूँ गुड्डू वाले को, जिसमें गुड्डू पढ़ती है बैठकर, क्योंकि उसका आज एग्जाम है ऑनलाइन ही। और सबसे पहले मुझे ज़्यादा जागनी है, कई दिन हो गए हैं, क्योंकि कोई सोता तो नहीं है इस कमरे में, सिर्फ गुड्डू ही दिन में पढ़ती है। रात के टाइम सब यहाँ पर जो है खुले में सोना ही पसंद करते हैं, गाँव में बाहर कूलर लगा लेते हैं और 2-3 चारपाई डालकर उन पर मच्छरदानी लगा लेते हैं, तो वहीं पर सोते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा जाग लेती हूँ। तो अभी सामान जो है मैंने, गुड्डू भी फैला देती है सामान को, अभी मैंने सामान जो है संगवा दिया है, जो जो कमरे में पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी उसे मतलब इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है, इसे रखना चाहिए। तो चादर मैंने जो है झाड़ दी है और डस्टिंग भी कर दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी तो लग ही जाती है, उसी सा गंदा हो गया था, बच्चे हाथ भी लगाते रहते हैं। और अखबारों पर भी मैंने अलमारियों में भी कपड़ा मार दिया है। तो फिर मैं करेले काटने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, आलू करेला, तीन चीज़ों से बनाऊँगी, आलू करेला और प्याज। ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, हम लोग बनाते रहते हैं। और करेले कई तरीके से बनते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम इस तरीके से बना लेते हैं जब भी मन करता है। और करेले काटने के बाद में जो है मैं इनमें नमक लगा कर रख दूँगी, क्योंकि करेले बनने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले इन्हें काटो, फिर धूप में रखो नमक डालकर, और उसके बाद इन्हें निचोड़ो। और भी सामान काटने होते हैं, कई सारी चीज़ें, प्याज आलू मुझे काटने हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो अभी पहले मैं आ गई थी मोटे कपड़े जो है ऊपर वाली रेलिंग पर डालने के लिए, क्योंकि नीचे जो है पहनने के कपड़े डाल चुकी है प्रीति, तो उसने बोला दीदी इन्हें ऊपर डाल दो, क्योंकि ये भारी भी है, तो इसलिए मैं ही ले आई थी इन्हें। तो मैंने इन सबको यहाँ पर सुखा दिया है, और फिर मैं जाकर काटूँगी नीचे प्याज, क्योंकि प्याज काटने में भी टाइम लग जाता है। और प्रीति ने जो है बच्चों को भी नहला दिया है, बस ये लास्ट वाली चादर रह गई थी। थोड़े थोड़े से कपड़े धोते रहते हैं, जब भी बीच में जो भी कपड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई गंदे से हो गए हैं, तो उन्हें धोते रहते हैं बीच बीच में। तो देखिए प्याज मैंने ले ली है, अब मैं प्याज भी काट कर रख दूँगी और इसमें डाल दूँगी पानी, और फिर इन्हें झरनी में डालकर खूब अच्छे से इनका पानी सुखा कर तभी मैं इन्हें करेले में डालूँगी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी में मैं कभी भी एक बूंद भी पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर वे कड़वे लगते हैं, और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होता है उनमें। तो प्याज काटने के बाद में मैंने 2-3 आलू यहाँ पर ले लिए हैं, और इन्हें बारीक बारीक सा काट लूँगी, क्योंकि मुझे इन्हें करना है फ्राई। और बरामदे में बनाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा वो हो रहा है कि गर्मी में बरामदे में, क्योंकि बाहर जो है धूप आ गई है, और वैसे भी करेला बनाने में जो है टाइम लगता है, तो मैं इन्हें धूप में से उठाकर ले आई थी, और दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं इनका पानी निकाल दूँगी, जो कड़वाहट है एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है नमक डालने से। और जब ये करेले आए थे बाज़ार से, तब भी मैंने इन्हें सैनिटाइज किया था, अच्छे से वॉश करके रख दिया था, और सुबह भी मैंने फ्रिज में से निकाल कर इन्हें पानी में डालकर छोड़ दिया था, ताकि इनका पानी निकल जाए, फिर मुझे काटने में जो है आसानी रहे। और इनका पानी सूखते ही मैंने इन्हें काटा था। तो अभी मैंने जो है कढ़ाई रखने के बाद में उसमें तेल डालकर आलू डाल दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आलू फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं करेला फ्राई करूँगी। और आलू के साथ साथ में ही मैंने जो हरी मिर्च काट कर रखी है उन्हें भी इनके साथ में ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये लंबी हरी मिर्च ही मैं हमेशा करेले की सब्ज़ी में काट कर डालती हूँ, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। ये देखिए जो दो फाड़ कर लेते हैं हरी मिर्च की, इस तरीके से ही मैं डालती हूँ। और मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है, जिससे कि आलू बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। और आलू जो है जब फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में ही मैं करेले फ्राई करूँगी, और सारी चीज़ें फ्राई कर रखने के बाद में तब जाकर मैं इन्हें एक जगह मिक्स करूँगी। तो सब्जी में आज मैं बना रही हूँ आलू करेले, और इसमें थोड़ी सी डालूँगी प्याज, और इस तरीके से भी हम लोग करेले बनाते रहते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और सबसे पहले मैं आलू और मिर्च जो है फ्राई कर रही हूँ,
और फिर करूंगी ये करेले जो मैंने निचोड़ कर रख लिया है और धूप में मैंने नमक रख कर डालकर इन्हें रख दिए थे। इनमें से एक्स्ट्रा पानी जो है कड़वाहट हल्का सा वो निकाल दिया है और फिर मैं करूंगी इन्हें फ्राई। और यही प्याज, बस इतने ही प्याज डालूंगी क्योंकि कुछ आलू भी हैं। और फिर इन्हें एक जगह सौंपूंगी और बस रोटियां सेकूंगी उसके बाद में। तो आलू जो है फ्राई हो चुके हैं और मैंने इन्हें कढ़ाई में से निकाल लिया है क्योंकि जब बाद में ये लगने लगते हैं इसमें ब्राउन कलर के जैसे ही होने लगते हैं तो आलू हमारे गल गए थे, अच्छे से मैंने चेक कर देख लिया था हाथों से दबाकर। और अब मैं इसमें ज़रा सा तेल डालकर, अब जो है तेल में मेथी डालकर फिर मैं ये जो हमारे करेले हैं मैंने गोल शेप में काटे हैं तो इन्हें डालकर फ्राई करूँगी। और मेथी, गरम मसाला और राई में ही मैं फ्राई करती हूँ, इनमें ज़रा सा भी कड़वाहट नहीं रहता है। और देखिए ज़रा सा ही कड़वाहट मैंने इनका निकाला है, ज़्यादा भी नहीं निकाला है, इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा कूटती पीटती नहीं हूँ क्योंकि सारा कड़वाहट निकालने से भी क्या फ़ायदा होगा। और जैसे कि आज का मौसम चल रहा है तो उसमें इतनी कड़वाहट तो शरीर के अंदर जानी भी चाहिए वैसे। तो देखिए मैंने गरम मसाला और नमक डाल दिया है इसमें और ये डालूंगी मैं राई। राई जो है मैंने पीस कर रख रखी है, इसका पाउडर सा बना कर रख रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीस रखी है, अधपाड़ी सी जिसे बोल देते हैं इतनी ही कर रखी है। तो सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसे इस तरीके से ही चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे कढ़ाई में बिल्कुल भी। और इन्हें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, जैसे ही गल जाएंगे और इनका कच्चापन दूर हो जाएगा तो तब मैं इन्हें निकाल लूँगी कढ़ाई में से और इसके बाद में फिर मैं इन्हें दोबारा से छौंकूँगी सब चीज़ों को एक जगह। तो लगभग करेले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। और अगर किसी के पास राई नहीं है, कच्चा आम है, तो वो कच्चा आम भी यहाँ पर यूज कर सकता है, उसे कद्दूकस करके करेले के साथ में फ्राई कर सकता है। लेकिन मेरे पास आज कच्चा आम नहीं था, फिलहाल तो नहीं था, तो मैंने इसलिए राई का यूज किया है। तो तेल मैंने दोबारा से फिर डाल दिया है और अब मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और मेथी में ही बनाऊँगी करेले क्योंकि मेथी में ही टेस्टी बनते हैं। और अब की बार सबसे पहले मैं मेथी डालने के बाद में, मसाले डालने के बाद में प्याज को फ्राई करूंगी। तो जैसे ही मेथी भुन चुकी है तो मैंने इसमें सबसे पहले लाल मिर्च डाली है और अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी और फिर धनिया पाउडर डालूंगी और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद में बस मैं इन्हें थोड़ा सा ही सॉफ्ट करूंगी। कि ये कच्ची न रहे बिल्कुल भी। तो देखिए प्याज जो है बहुत जल्दी से तेल छोड़ देती है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें मिलानी शुरू करूंगी जो मैंने करेले फ्राई करके छोड़े थे। तो धनिया और सौंफ जो है उसकी मात्रा में थोड़ी डाल रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि करेले में जो है धनिया सौंफ का टेस्ट से ही अच्छे बनते हैं ज़्यादा। तो मैंने इसमें जरा सी हल्दी मुझे कम लग रही थी तो मैंने वो भी डाल दी है और प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, उन्होंने तेल जो है छोड़ दिया है। और अब मैं जो है सबसे पहले इसमें डालूंगी करेले और करेले डालने के बाद में ही डालूंगी मैं इसमें आलू फ्राई किए हुए। तो देखिए करेले में जो है मैंने प्याज अच्छे से मिला दी है, सारे मसाले उसमें मिक्स हो चुके हैं और जैसे ही मैं सब चीज़ों को एक जगह मिक्स करती जाऊंगी तो इन्हें उसी तरीके से चलाती जाऊँगी। और आँच मैंने जो है बराबर कर रखी है क्योंकि आज इसीलिए मैंने लकड़ी लगाई थी इसमें करेले बनाने के टाइम पर। तो देखिए आलू भी मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर, सबकी पसंद की चीज़ हो गई है, आलू भी हो गए हैं, करेले भी हो गए हैं और प्याज भी हो गई है। इन तीनों चीज़ों का मिश्रण जो है बहुत अच्छा और सब्जी का कलर देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और जैसे ही मैं ये हरी मिर्च फाट करके डालती हूँ, इनके दो पार्ट कर देती हूँ, तो ये मुझे हर सब्जी में ही टेस्टी लगती है और अच्छी भी लगती है। तो गरम मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा डाला है हींग जिससे कि ये किसी को नुकसान ना दे बिल्कुल भी। और अब मैं इसे चलाकर, इसमें सारी चीज़ें मिला दी हैं, इसे थोड़ी देर चलाकर इसे इकट्ठी करके मैं इसे ढककर रख दूंगी और इसके नीचे आंच जो है कम कर दूंगी।
तो देखिए आलू प्याज करेले की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। कितनी टेस्टी लग रही है देखने में और खाने में भी इतनी टेस्टी है। और अभी मैंने रोटी अभी सेक ली है और उन पर मक्खन लगाकर रख दिया है और इसे मैं किसी छोटे बर्तन में निकाल लूंगी। अब क्या लगा रहे हैं आप? हाँ पिस्टिक। ये कैसी पिस्टिक है भाई? किसने दी? अच्छा जी, क्या लगा रहे हैं आप? मैं? हाँ पिस्टिक है ये। ये तो नेल पेंट है। खून पॉलिश बोलते हैं इसे। किसने बताया? अरनू बता दे आज किसका बेटा है। बता दे किसका बेटा? आपका। इधर को मुंह करके बता दे। आपका है। हाँ सारे दर्शकों को एक बार। ठीक है फिर तो। ये बैठे हैं भाई मंकी महाराज टैंक पे पानी के आराम से। पापा जी वो टैंक आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? जबरदस्त करते हैप्पी टिक हो गए। तो हम हैप्पी टिक लगाई। चलो पोयम सुना दो अब। मछली जल की रानी है, ये इनका पानी है, हाथ लगा के डर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी, तीन आने को मोर ले गए, काले चोर ले गए। कर रहे आप इन काम का? फुटबॉल? इनकी तो सब्जी बनेगी। और उसी को लग जाएगी। मैं भी लग गई। ये क्या पहनना आपने? ये क्या पहनना आपने पैरों में? क्या है ये आपकी? किसने बताया आपकी जुराब है ये? मम्मी। इतनी गर्मी में कौन पहनता है भाई? मैं। क्यों ठंड लग रही है आपको? तो